सबसे पहले मैं बोलूँगा, मैं तोमल बोल रहा हूँ जॉब कल्चर से। मैं जॉब कल्चर्स में काम कर रहा हूँ और आज मैंने लेकर आया हूँ। जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, ये पार्ट टाइम है या फुल टाइम है? नहीं, ये है तो ये फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी। इधर मैक्सिमम कैंडिडेट जो काम कर रहे हैं वो 25,000 जो सैलरी है उसको 25 से 40 कर रहे हैं। मतलब 25,000 सैलरी को 40,000 बना के वो घर ले जा रहा है। आज बच्चे अप्लाई करते हैं तो उसका 3 से 7 दिन के अंदर में रिप्लाई आ जाएगा। पेटीएम कंपनी की, डायरेक्ट पेटीएम कंपनी का एचआर उसको कॉल कर लेगा। गाइस, एक और बहुत बड़ी कंपनी में मैं अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। ये जो कंपनी है, आप सभी लोग इसको जानते हैं। जी हाँ, पेटीएम में इस वक्त काफी सारी तादाद में, लगभग 150 के आसपास ये ओपनिंग निकली है। दोनों ही मेल और फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज आपको काफी अच्छा दिया जा रहा है। 25 से 40 हज़ार रुपए के बीच में आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं अगर आपकी स्किल्स अच्छी है। तो आज की इस वीडियो में मैं डायरेक्टली रिक्रूटर के जरिए, जिनसे मुझे पता चला था इस वैकेंसी के बारे में, उन्हीं के जरिए मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूं। वही इस प्रोफाइल के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं और वही आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी नंबर्स ऑफ वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, क्या काम आपको करना होगा। सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी उनके ही जरिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती है सबसे तेज और सबसे पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड इवनिंग सर। या हाय, गुड इवनिंग सर। जैसा कि आपका मेल आया था मेरे पास और मुझे उस मेल में पता लगा था कि आपके जरिए एक बहुत बड़ी कंपनी में हायरिंग आई है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपना नाम बताएं और कौन सी कंपनी के लिए आप हायरिंग लेकर के आए हैं वो भी बताएं। सबसे पहले मैं बोलूँगा, मैं तोमल बोल रहा हूँ जॉब कल्चर से। मैं जॉब कल्चर्स में काम कर रहा हूँ और आज मैंने लेकर आया हूँ पेटीएम कंपनी का हायरिंग लेके, पेटीएम का। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है सर, जो पेटीएम कंपनी में आई है, ये कौन सी प्रोफाइल पर है? मतलब बच्चा अगर हमारी ये वीडियो देख रहा है और इस वीडियो के बाद वो अप्लाई करता है तो उसको क्या काम एग्जैक्टली करना होगा, ये थोड़ा सा विस्तार में बताइए सर। अच्छा, पेटीएम जो हायर कर रहे हैं ये FSC पोस्ट डेजिग्नेशन का नाम है, FSC फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव। इसको क्या करना पड़ेगा, फील्ड में जाके EDC मशीन, स्पीकर QR कोड ये सब वगैरह सेल करना होगा। स्पीकर मतलब बोले तो आप वो जो आप दुकान में जाके पेमेंट करते हो एंड उसके बाद अनाउंस कर देते हैं आपका इतना पैसा रिसीव हुआ है, वो स्पीकर। एंड EDC मशीन मतलब वो जो कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्वाइप करने का जो मशीन है वो सेल करना है आपको। ओके, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है सर, जैसे कि मैंने पेटीएम की वेबसाइट पर भी हम देखते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी में ज़्यादातर जो ओपनिंग रहती है ये पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, तो जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है ये पार्ट टाइम है या फुल टाइम है? नहीं, ये है तो ये फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इसमें जो पॉइंट बेसिस सैलरी है, लेकिन ये फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो बाद में और भी सैलरी डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, लगभग कितना सैलरी सर फिर भी मिल जाएगी इसमें? लगभग इसमें 25,000 का CTC है, जिसके मतलब आप मान सकते हो 21,000 के आसपास आपका इन हैंड आएगा। बाद बाकी PF एंड इंश्योरेंस के लिए वो काटेगा। एंड ये टोटली जो होगा पॉइंट बेसिस, टारगेट बेस्ड होगा। ओके, तो जो सैलरी सर जो आएगी बच्चे की, वो टारगेट कंप्लीट होगा तभी आएगी या फिर इनकेस अगर नहीं भी होता है तो भी आएगी? नहीं, तो ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, टोटल 100 पॉइंट्स का टारगेट दे रहा है। 100 पॉइंट्स करने से फुल सैलरी मिलेगा, या तो अगर कोई भी 90 पॉइंट्स भी कर लेते हैं एक महीने में
तब भी उसका फुल सैलरी रिलीज कर देगा। अभी मान लो सपोज आपने 60 पॉइंट अचीव किया तो आपको 60% सैलरी देगा, 50 पॉइंट्स किया तो 50% सैलरी देगा, लेकिन 90 से 100 के बीच में अगर आप कर लोगे तो आपको फुल सैलरी रिलीज कर देगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड बहुत अपॉर्चुनिटी भी आगे है, जैसे कि आपका प्रमोशन को लेके आपका ग्रुप लीडर हो सकते हो आप अगर काम करोगे तो। ठीक है, ओके। अगर हम नंबर्स में बात करें सर, तो लगभग कितने नंबर्स में ये ओपनिंग होगी? अच्छा, ये हमारे पास अभी पूरा नॉर्थ में वैकेंसी है, तो अभी जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है दिल्ली एनसीआर में लगभग 150 का वैकेंसी है दिल्ली एनसीआर में। हाँ, उसके पास यूपी, हरियाणा, ये सब में भी वैकेंसी है मेरा। अभी आप चाहते हैं, मतलब कौन से बच्चे आपके लिए अप्लाई करें, जो दिल्ली एनसीआर में काम करना चाहते हैं वो अप्लाई करें, या जो नॉर्थ में कहीं पर भी काम करना चाहते हैं वो अप्लाई करें, कैसे बच्चे अप्लाई करें? नहीं, मैं अभी चाह रहा हूँ दिल्ली एनसीआर का लोग ही, दिल्ली एनसीआर का कैंडिडेट ही ज़्यादा अप्लाई करें। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, मेरा प्रायोरिटी जोन है दिल्ली एनसीआर। मतलब वो कैंडिडेट जो कि दिल्ली एनसीआर में काम करना चाहते हैं वही बच्चे आपके लिए अप्लाई करें। ओके, ठीक है सर। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो कितनी लगभग क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, मतलब इतना बच्चे को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? ये मिनिमम हमारा 12th पास कैंडिडेट चाहिए, मिनिमम 12th पास पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा भी सर, जैसे कि ये सेल्स की अपॉर्चुनिटी है, तो कुछ ऐसी भी रिक्वायरमेंट है कि ड्राइविंग लाइसेंस, उसके पास बाइक खुद की होनी चाहिए, इस तरीके का कुछ रिक्वायरमेंट है? अच्छा, जिसके पास बाइक लाइसेंस है वो अच्छा है, वो और भी काम करने का ज्यादा मतलब स्पेस मिलेगा उसका, मिनिमम टाइम में वो मैक्सिमम रीच कर पाएगा। तो बाइक एंड लाइसेंस ये प्रेफर्ड है, जिसके पास नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्रेफरेंस है। ठीक है, बाइक लाइसेंस। तो जैसे सर, जैसे ये वैकेंसी है, ऑब्वियसली बात है आजकल तो सभी जगह पर पेटीएम के हम देखेंगे कि QR स्कैनर्स वगैरह मिलेंगे, तो क्या बच्चों का इजीली टारगेट अचीव होगा? देखिए, अभी जो मतलब कुछ कुछ कैंडिडेट है काम कर रहे हैं, लगभग 3 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, वो भी अभी टारगेट उसका अचीव कर पा रहा है, इसीलिए काम कर रहा है। एंड जो आप बोल रहे हो, मैक्सिमम जगह पे पेटीएम का QR कोड स्कैनर ये सब लग चुका है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो उसमें से ही कभी कभी कुछ कुछ दुकान ऐसे, दुकान शॉप वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह ऐसा निकल जाएगा जहाँ पे पेटीएम रीच नहीं किया, एंड वो पहले रीच किया तो पेटीएम पहले गया था तो अभी डीएक्टिवेट है। तो आपको ढूंढ ढूंढ के वो सब दुकान, वो सब रेस्टोरेंट, वो सब शॉपिंग प्लाजा आपको चुनना होगा एंड आपको अप्लाई, आपको जाके इंस्टॉल करवाना होगा। ठीक है, एंड इधर ऐसा नहीं सिर्फ सैलरी मिलेगा, बहुत सारे कैंडिडेट पर मंथ 10,000 से 15,000 तक इंसेंटिव भी ले रहे हैं। तो टारगेट का तो बात आप बाद में रखो, तो इंसेंटिव आपको मैं बोलता हूँ अचीव हो जाएगा। ओके, मतलब ऐसा है कि इतना हार्ड कोर सेल नहीं है, इजीली टारगेट आप अचीव कर सकते हो, और अचीव करने के बाद इंसेंटिव भी 10,000 से 15,000 रुपए अलग से कमा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इधर मैक्सिमम कैंडिडेट जो काम कर रहे हैं वो 25,000 जो सैलरी है उसको 25 से 40 कर रहे हैं, मतलब 25,000 सैलरी को 40,000 बना के वो घर ले जा रहा है। ठीक है, मतलब इतना इंसेंटिव कमा रहे हैं। अच्छा सर, कोई फीस वगैरह तो नहीं देनी बच्चे को? नहीं, इसमें हम लोग जो जॉब कल्चर से रिक्रूट करता हूँ, एक भी फीस नहीं लगता है। तो आप जॉब कल्चर्स का भी वेबसाइट भी है, तो आप चेक करके देख सकते हो।
अच्छा, जैसे सर अभी बच्चे ने अप्लाई करा, आज हमारी वीडियो ये बच्चे देख रहे हैं और अप्लाई करते हैं, तो लगभग कितने दिनों में उनका रिवर्ट आ जाएगा, कितने दिनों में उनका सिलेक्शन हो जाएगा? अच्छा, ये अगर आज बच्चे अप्लाई करते हैं तो उसका 3 से 7 दिन के अंदर में रिप्लाई आ जाएगा। पेटीएम कंपनी की, डायरेक्ट पेटीएम कंपनी का एचआर उसको कॉल कर लेगा। ओके, मतलब ये बीच में मिडिलमैन कोई नहीं है, डायरेक्ट पेटीएम? नहीं, डायरेक्ट पेटीएम कंपनी से उसको कॉल आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए सर आप बच्चों को क्या दे रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं? बिल्कुल, फॉर्म का लिंक, इस फॉर्म में आकर आप आपका रिस्पॉन्स भर सकते हो। इस फॉर्म में जो जो मांग रहा है फिलअप कर दो, जैसे कि नाम, नंबर, एक्सपीरियंस, कहाँ से आए हो, लोकेशन, ये सब फिलअप कर दो। एंड आप जिस दिन अप्लाई करोगे उसका 7 वर्किंग डेज के अंदर आपके पास कॉल चला जाएगा। ओके सर, जैसे ये हमारी वीडियो है ना, लॉन्ग लाइफ डली रहेगी, बच्चे जो है यहाँ से अप्लाई करते रहेंगे। अब ये जो 150 वैकेंसी है, अगर ये फिल हो गई विद इन 1 या 2 मंथ, उसके बाद भी अगर कोई अप्लाई करता है तो क्या आप उनको दूसरी कंपनी में भी जॉब अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं? तब भी क्या आपके पास कोई ओपनिंग रहेगी? बिल्कुल, हमारे पास और भी वैकेंसी, जैसे कि BFSI NBFC सेक्टर में वैकेंसीज रहता है, तो हम लोग उसको पेटीएम छोड़कर और भी कंपनी में उसको प्लेस कर सकता है। ठीक है सर, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी आपने मुझे बताई, प्लस जो आपने एक JD मेरे साथ शेयर किया था और एक गूगल फॉर्म भी जो शेयर करा था, मैं इन सब चीज़ों को है ना अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर देती हूँ। बच्चे जो हैं वहीं से पूरी इन्फॉर्मेशन को एक बार और रीड करेंगे और डायरेक्टली आपसे जुड़ जाएंगे उस फॉर्म को फिल करके। बिल्कुल बिल्कुल, सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी जो है जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को, और मैं चाहूंगी कि जितने भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो। बिल्कुल, तो लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो जॉब वैकेंसी है, जो लोग सिर्फ फील्ड में जाके फील्ड सेल्स करने के लिए एंड टारगेट को लेकर काम करने के लिए रेडी है, जो काम करने के लिए रियली इंटरेस्टेड है एंड जिसका नीड है एंड जिसको फील्ड सेल्स में काम करना है, सिर्फ वही लोग अप्लाई करें, ठीक है, ताकि HR को भी और भी आसान हो जाए इतने लोगों से जो ओरिजिनल नीड है जिसका, उसको चुनने में, ठीक है। और बाद बाकी आपको भी थैंक यू मेरा ये पोस्ट करने के लिए, एंड थैंक यू फ्रॉम जॉब कल्चर्स अगेन। थैंक यू सो मच सर, हमारा काम ही है लोगों को नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना और सही रिक्रूटर से लोगों को कॉन्टेक्ट कराना। थैंक यू सो मच सर। सो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के बारे में मुझे मेल मिला था, काफ़ी सारे रिक्रूटर हैं जो मुझे मेल करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे अपनी स्टूडियो में भी बुलाते हैं, बट जो सर है ये लोकेशन से काफ़ी दूर थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के ज़रिए ही पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मेरा मकसद है आप सभी को सही रिक्रूटर से मिलवाना और ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना जो कि वाकई में चल रही है। तो यहाँ पर 150 के आसपास वैकेंसीज हैं, अगर आप इस वीडियो को नवंबर के मंथ में देख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर अगर वैकेंसी फिलअप हो जाती हैं तो सर के पास दूसरी और भी वैकेंसीज हैं, आप उनमें एलिजिबल करने के लिए अप्लाई हो सकते हैं, आपके पास रिवर्ट तब भी आ सकता है, तो अप्लाई कर दीजिए, मे बी उस टाइम पर और बड़ी अपॉर्चुनिटी आए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली गूगल पर टाइप करना है www.jobnow247.in, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने जो है वो इस तरीके से ओपन अप होकर के आ जाएगी, रीड आउट कीजिए, घर बैठे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अप्लाई कीजिए। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।